तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है आप कैसे एक पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, उससे पहले एक रैम क्या होता है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ मैं। सोचिए आप 50 MB का एक VLC प्लेयर खोले हैं और उसमें 500 MB का आपका एक वीडियो है, तो 500 + 50 550 MB का जगह आपका रैम में घेरा जाएगा। तो अगर आपका रैम 1 नहीं तो 2 GB के आसपास है तो आपको बहुत लैग फील सुन होगा। इसलिए मैं एक उन भाई लोग के लिए एक जुगाड़ लाया हूँ। आप अपने पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक पेन ड्राइव चाहिए। आप अपना पेन ड्राइव कंप्यूटर में कनेक्ट कर दीजिए। ये देखिए मेरा पेन ड्राइव है, USB ड्राइव, यही मेरा पेन ड्राइव है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में आइए, इधर रेडी बूस्ट जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। इधर अपना MB सेलेक्ट कीजिए, कितना MB देना चाहती है। इधर मेरा 15 GB का पेन ड्राइव है तो मैं इतना कुछ नहीं चाहता, आप जितना मर्ज़ी दीजिए, आपका जितना साइज है। मैं 2.5 GB के आसपास देता हूँ। अप्लाई में क्लिक किया। देखिए कुछ कुछ कंप्यूटर में होने में टाइम लगता है, टाइम से मत घबराइए। देखिए ये रेडी टू बूस्ट, ये जो है देखिए 2.5 GB के आसपास जगह घेर चुका है, देख लीजिए। आपका पेन ड्राइव रैम में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं सिखाऊंगा आप कैसे पेन ड्राइव को नॉर्मल कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर्टीज में जाइए, रेडी टू बूट ऑप्शन में फिर से जाइए, डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस, इसमें क्लिक कीजिए, अप्लाई कीजिए। ओके, ऐसा हो गया। उसके बाद अपना पेन ड्राइव खोल दीजिए अपने कंप्यूटर से। उसके बाद फिर से कनेक्ट कीजिए। देखिए USB ड्राइव, इसे इसे क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में जाइए, स्टार्ट। ओके, फॉर्मेट कंप्लीट। देखिए आपका पेन ड्राइव एकदम नॉर्मल हो चुका है। देखिए वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।